आपका वेलकम हो गया एक बार फिर से हम हमारे अपने चैनल धमाका जीके में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ टॉप 10 जीके क्वेश्चंस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ऑप्शन ए दैनिक गति के कारण, ऑप्शन बी वार्षिक गति के कारण, ऑप्शन सी छमाही गति के कारण, या ऑप्शन डी तिमाही गति के कारण। तो आपके पास 5 सेकेंड्स है इसका आंसर देने के लिए। तो भाई इसका सही आंसर है वो है दैनिक गति के कारण। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस वो है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो ऑप्शन ए है बृहस्पति, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी यूरेनस, या ऑप्शन डी शुक्र। आपके पास 5 सेकेंड्स हैं इसका आंसर देने के लिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी मालूम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे उसका आंसर दे सकते हैं सकते हैं। तो इसका सही आंसर है बृहस्पति। तो गाइज चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज वो है कि सबसे बड़ा ग्रह सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सो गाइज ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बुध, या ऑप्शन डी नेपच्यून। इसका सही आंसर है गाइज बुध। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी मालूम है तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए, अगली वीडियो में उसका नाम लिख दूंगा। ठीक है गाइज चलते हैं, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है अग्लहास धारा किस महासागर में बहती है। ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी हिंद महासागर में, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर में, या ऑप्शन डी अन्य। इसका जो सही आंसर है गाइज वो है हिंद महासागर में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज वो है पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। ऑप्शन ए है तांबा और जस्ता, ऑप्शन बी निकेल और तांबा, ऑप्शन सी लोहा और जस्ता, या ऑप्शन डी लोहा और निकेल। इसका सही आंसर है गाइज लोहा और निकेल। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना एंड चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना गाइज, क्योंकि ऐसे ही मैं रोज़ आपके लिए ऐसी मज़ेदार वीडियो लाता रहता हूँ। एंड चलिए फिर चल लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है मैंगनीज के उत्पादक में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी रूसी संघ, ऑप्शन सी कनाडा, या ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर है गाइज रूसी संघ। चलिए फिर चल लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज निम्नलिखित में से कौन से देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन ए है ब्राज़ील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन डी अमेरिका, या ऑप्शन डी चीन। सो गाइज इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी अमेरिका में। सो गाइज चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज वो है इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन ए है ओसाका, ऑप्शन बी है टोक्यो, ऑप्शन सी नागासाकी, या ऑप्शन डी याकोहामा। इसका सही आंसर है गाइज ओसाका। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज वह भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। सो गाइज इसका पहला है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर,
ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक या ऑप्शन डी यमेश चंद्र। इसका सही आंसर है गाइज बाल गंगाधर तिलक। तो इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है गाइज वो है 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में जिसने कमेंट किया होगा उसका नाम लूँगा एंड उसको कॉन्ग्रेट्स भी बोलूँगा। तो गाइज इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग, जो 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल था वो है लॉर्ड कैनिंग। सो गाइज आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँगा एंड पर डे आपको 5 वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।